दादा। अरे श्रीकांत आओ आओ। तुम गौतम को खाना खिलाओ। रामू पानी लेके आना। बैठो श्रीकांत। सोने के बर्तन में खाते हैं और रेशम के कपड़े से हाथ पोंछते हैं। काश मैं भी कभी इतना अमीर हो पाऊं। दादा ये है मेरा बेटा गोविंदा। प्रणाम काका। अरे अरे जीते रहो। बैठो बैठो गोविंदा। गोविंदा ये क्या है? ये आपकी वहिनी ने आपके लिए सेवई बनाकर भेजी है। आपको सेवैया बहुत पसंद है ना? कमाल करते हो श्रीकांत, सेवैया लाए और पूछ रहे हो। क्या खुशबू है। अरे भाई चम्मच लाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ओह क्या स्वाद है वही निकाह तो। मैंने ऐसी सिवैया आज तक नहीं खाई। भाई श्रीकांत तुमने तो मुसीबत मोल ले ली। अब जब तक मैं शिरडी में रहूंगा वाइनी के हाथ का खाना खाऊंगा। आई सुनेगी तो खुश हो जाएगी क्योंकि उनके हाथ की सेवई किसी को पहली बार अच्छी लगी। अरे भाई इसे ले जाओ। थोड़ा थोड़ा खाऊंगा नहीं तो अभी खत्म हो जाएंगी। श्रीकांत तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, कुछ काम करता है? अभी अभी पढ़ाई खत्म की है इसने। नौकरी की तलाश। नौकरी नहीं बाबा, व्यापार। मैं व्यापार करना चाहता हूं, उसी के लिए पूंजी जमा कर रहा हूं। हर गांव में मेरी योजना का लालच सबसे पहले युवाओं को ही लुभाता है। यह मौका सही लग रहा है। एक तरफ पति है और एक तरफ बेटा। मैं क्या करूं साई, किसके साथ खड़ी रहूं? उसके साथ जो सही है, जो सत्य है।
जूते, एक औरत के निश्चय में बहुत ताकत होती है और जब वो सही के साथ खड़े होने का निश्चय लेती है तब वो अपनी गृहस्थी के सुख के साथ खड़ी होती है, अपने घर पर कोई हानि नहीं आने देती। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना साई, कि समझ ही ना आए कि वास्तव में सही कौन है। फिर क्योंकि बदलते जमाने के साथ सही और गलत की परिभाषा भी तो बदलती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.